बांदीपोरा में भारतीय जनता पार्टी इकाई बांदीपोरा ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यालय बांदीपोरा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रभारी मुदासिर अहमद वानी ने की। उनके अलावा प्रभारी बांदीपोरा आरिफ राजा और अनवर खान भी मौजूद थे, जिसमें जिला बांदीपोरा के विभिन्न गाँव के प्रभारी और सब प्रभारी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए मुदासिर वानी ने कहा कि चुनाव का समय नजदीक आने के कारण जिला बांदीपोरा के सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों को अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है। मंजूर अहमद डार जन सुई ना तद पर गेस सेंटर इंचार्ज आसे ठीक छ बात बनमो शेष बन गेल बनमो शेष ठीक छ यात वोट में एसएस में छ वचन बचो सुनाना सुनसी प्रेसिडेंट इना या बहुत पहले मैं छ वचन के गोडी एसएसबी भी ब्रॉड पर रेट गोडी छ में घर बैठ करना से डार मैं कह जा वोट छ पाने एक रखा सुंबल में, हमने तीन जगह तीन प्रोग्राम रखे। इन तीन प्रोग्रामों में हमने क्या करना है, जितने भी हमारी कार्यकर्ता है चाहे रूठे हुए है चाहे हमारे कार्यकर्ता जो घर में है जो एक्टिव कार्यकर्ता है, इनको हमने एक बड़ा एक जलसा करना है। तकरीबन इन जल्स में तकरीबन 3,000-4,000 से ज़्यादा जो लोग होंगे, तीन कानून अगर गुरेस में हम करेंगे उसमें भी 3,000-4,000 लोग होंगे, अगर बांडीपोरा में करेंगे इसमें भी 4,000 लोग होंगे, अगर सुंबल में करेंगे इसमें भी 4,000-5,000 लोग होंगे और अच्छे कार्यकर्ता जो है इसीलिए आज हम देगा हम उसी के तहत चलेंगे और जो उनका ये मोटो होगा जो उनके रिलेटेड जो भी कोई फैसला होगा हम उसके लिए तैयार है। और एक बात है, चाहे असेंबली हो पार्लियामेंट हो, इस वक्त पार्लियामेंट की तैयारी चल रही है, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो हम तैयार है, बीजेपी 24 घंटे तैयार है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वाहिद एक पार्टी है जो लार्जेस्ट पार्टी है हिंदुस्तान में जो लोगों के साथ ग्राउंड में काम कर रही है, इसीलिए मीटिंग आज हमने बुलाई थी कि कार्यकर्ता जो है वो तेज़ करे अपनी मुहिम जो तेज़ चलाए, जहाँ भी हमने हमारी कार्यकर्ता है वो है वो इसमें बताऊंगा मेरा लिख के लिए और ऑन मीडिया में कहूंगा 400 प्लस हम लेंगे और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज खुश हैं। आज हम ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ये जो 400 पार जो सीटें हैं इंशाल्लाह ये हम लेंगे और इसमें क्या करेंगे जो हमारे मोदी जी ने काम किए हैं वो लोगों तक हम लेंगे। मोदी जी ने कितने काम किए चाहे हम अगर उंगलियों पर भी गिने तो मुझे लगता है कि वो कम पड़ेंगे। और ये चीज़ मुझे कहना कि 400 जो 250 से ज़्यादा जो स्कीम्स है वो मोदी जी ने दिया, फ्री राशन हो, गोल्डन कार्ड हो, 5 मरले लैंड हो, IAY का मसला हो, ये गोल्डन कार्ड हो, जितने भी आप ट्रेन देख लीजिए वो यहाँ पर चल रहा है, एम्स, IIT, उसने बहुत कुछ काम जो हम कश्मीरी के लिए पहले काम उसने ये चीज़ किया कि यहाँ पर कोई कश्मीरी अब 2014 से 2024 तक नहीं मरा है। अगर हम NC वालों को थोड़ा सा पानी मांगते थे वो वहाँ से स्टून पैलेट जो है वो फेंकते थे, उनको अगर हम चावल मांगते थे वो वहाँ से गोली मारते थे। मोदी जी ने साफ इनको इनकार किया, उन्होंने क्लियरली कहा कि हम गरीब लोगों के साथ हैं, जो गरीब लोग हैं हम उनके साथ हैं मिल के यहाँ पर की। आज कितने खुश है यहाँ के लोग, आज कितने खुश है यहाँ के जवान, आज कोई नहीं मर रहा है, आज कोई जवान गोली के शिकार नहीं हो रहा है। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ये सारे लोग जो थे ये हमारी जो खून के होली खेल रहे थे। आज जब देख लिए कि बांडीपोरा से इंशाल्लाह जो रिजल्ट BJP का आने वाला है वो सबसे बेटर और सबसे बेहतर होगा। बांडीपोरा के आज हमने जो मेन पोलिंग बूथ के वर्कर्स है अपने सेक्टर के अंदर के इंचार्ज है उनको खाली बुलाया था, जो मेन चुने लोग हैं उनको बुलाया है। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि बांडीपोरा से भी अच्छे खासे वोट हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे। शुक्रिया।